अस्सलामुअलैकुम, अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हमने बनाए हैं एकदम मलाई पसंदे। इस पे डालेंगे नींबू का रस और इसे डिप करेंगे ये इमली की चटनी में। और ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कितने अच्छे से गले हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो रहे हैं, एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये कुछ गोश्त वगैरह खा रहे हैं। आपको लगेगा एकदम ये मखमली सी, एकदम मलाई जैसी आप लेयर खा रहे हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं दीबा की रसोई में और दिखाते हैं आपको हमने ये मलाई पसंदे कैसे तैयार करे हैं। सो मलाई पसंदा बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके का एकदम बोनलेस ये बीफ का हमने यहाँ पे गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन ले सकते हैं। और इसको आप देख सकते हैं कितना पतला पतला सा कट कर लिया है। और उसके बाद में इसे एक हैमर से इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसे प्रेस कर दिया ताकि ये और अच्छे से पतला हो जाए। तो इस तरीके के आपको पीसेस लेने हैं, ये हाफ के जी है। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिया है ये 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट है। और ये स्पेशल मलाई पसंदे का मसाला है। इस तरह से यहाँ पे हमने ली है 8 हरी इलायची, थोड़ी सी हरा धनिया, 1 टीस्पून लिया है सौंफ, और 1 टेबलस्पून चीज़ है, 1 टेबलस्पून गुलाब के फूल हैं, 10 से 15 काजू के पीस है, 1 स्टार एनाइस है, और 10 से 15 काले मिर्च है, और 4 हरी मिर्च है। इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम अपने गोश्त को करेंगे मैरिनेट। तो देख लेते हैं इसके पहले मैरिनेशन में क्या क्या मसाले जाएंगे। फर्स्ट मैरिनेशन में सबसे पहले हम डाल देंगे सॉल्ट यहाँ पे 1 टेबलस्पून के अराउंड। और उसके बाद में ये जो हमने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है ये डाल देंगे सारा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, और अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारी चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसे इसी मैरिनेशन में कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए, फर्स्ट मैरिनेशन को 1 घंटा हो गया है। अब जो हमने आपको स्पेशल मलाई पसंदे का मसाला दिखाया था वो यहाँ पे हमने पीस लिया है, वो सारा डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये अमूल फ्रेश क्रीम है, ये डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने भुना हुआ बेसन लिया है, ये डालेंगे 2 टेबलस्पून। और उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून, यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड या देसी घी भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून बटर भी डालेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब हम फिर से इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे सेकेंगे। सो ये देखिए, इसको मैरिनेट होते हुए 3 घंटे हो गए। हमने 1 घंटा बोला था लेकिन हमने 3 घंटे के लिए इसे मैरिनेट किया है। तो अब आप चाहें तो इसे तवे पे एकदम लो फ्लेम पे सेक सकते हैं या एयर फ्राई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो हम इसे एयर फ्राई में फ्राई करेंगे। तो चलिए अपने पसंदे के पीसेस डाल देते हैं एयर फ्राई की बास्केट में। सो देखिए, यहाँ पे हमने अपनी पसंदे अरेंज कर दी एयर फ्राई की बास्केट में। अब हम इसे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सो ये देखिए, हमारे पसंदे एकदम फ्राई होके एकदम तैयार है, और देख के ही कितने ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। इसी तरीके से हम अपना पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे पसंदे अपने फ्राई कर लिए हैं एयर फ्राई में। आप इसे पैन फ्राई भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये देखिए, इसको सर्व करेंगे। हमने इसके लिए इमली की चटनी बनाई है, लच्छा प्याज है, बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। ये बात हम आपको गारंटी के साथ में बता रहे हैं कि आपने ये वाले पसंदे अगर घर पे बना के खिला दिए ना सबको, तो लोग बाहर के पसंदे खाना भूल जाएंगे। एकदम इसका टुंडे के जैसे कबाब होते हैं वैसा ही टेस्ट है। और अगर आपने लखनऊ के हैं आप, और अगर आपने मुबीन वगैरह के पसंदे खाए हैं, तो ये उससे भी हम कह सकते हैं 2 गुना टेस्ट में बेहतर ही है। बहुत ज़्यादा अच्छे बने। आप घर पे इतने अच्छे पसंदे बना करके रेडी कर सकते हैं और महफिल को लूट सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये मलाई पसंदे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।